अस्सलाम वालेकुम माय आर यू टी फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो मैं आई हूं इतनी वीडियो सर, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई नो कि आपको इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ तबीयत ना ठीक होने की वजह से, और आपको ऑलरेडी पता है स्वेलिंग वगैरह थोड़ी सी है, तो इस वजह से मैंने 2 दिन स्किप की है, लेकिन अब वीडियो अपलोड करूँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा मतलब तबीयत की वजह से या इस वजह से नहीं कर रही, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि कुछ वीडियोस बना के सेव कर लूँ ताकि अपलोड होती रहे और आपके साथ मतलब शेयर होती रहे। तो व्यूअर्स अभी मतलब मैंने शार्ट लेती हूँ, शार्ट लेने के बाद व्यूअर्स थोड़ा सा गेटअप वगैरह ठीक करके वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर नहीं बनाने वाली हो मतलब अगर बना के एडिट करके उसे अपलोड कर देती हूँ, अगर ना हो तो फिर नहीं शूट करती हूँ। तो इस तरह से मेरी रूटीन शुरू होने वाली है, जो कि इवनिंग टू अब नाइट है। तो दूसरी वाली मॉर्निंग वाली रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो व्यूअर्स इसी तरह वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम और ज़्यादा बातें किए। तो अब आप मेरी रूटीन चेक करें, देखें और क्या क्या करती हूँ। तो इसके बाद ये वाला ड्रेस वेयर करके मैं जल्दी दूसरी वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन वो कौन सी वीडियो आपको फिर पता चले, इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो अभी शुरू करते हैं इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो यहाँ इधर से मैं शुरू कर देती हूँ। व्यूअर्स आल मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ क्लियर है, इवन कि आज सायरा ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो ये देखिए हर चीज़ उसने जो भी डस्ट वगैरह थी ख़त्म करके मतलब बहुत सारा काम किया है। ये देखिए हर चीज़ मेंटेन कर दी है। तो व्यूअर्स ये रूटीन तो आपके साथ मैं शेयर करने लगी। ये देखिए आज हर चीज़ मुझे पैरेंट में मिल रही है, जो कि मैं ड्रेस के साथ मैच कर रही ब्लैक वगैरह। तो ये तो कुछ अलग ही बात हो गई है, जो जो करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वीडियो तो आपको पता है मैं कैसे बनाती हूँ, आप ऑलरेडी देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। तो लेट अपलोड करने के लिए सॉरी व्यूअर्स। इसके बाद व्यूअर्स इस टाइम मामा भी अपनी वीडियो में वॉइस ओवर कर रही होती हैं, या उन्होंने जो वीडियो बनाई होती है उसके ऊपर डिस्कशन वगैरह चल रही होती है। तो मतलब कुछ इस तरह से हम बैठे होते हैं और वीडियो का काम कम्प्लीट कर रहे होते हैं और साथ रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब जो दोपहर के वक्त करना होता है। तो साथ एसी वगैरह ऑन होता है, मैं कुछ इस तरह से हमने कोई बात करनी है तो मोबाइल फ़ोन पे हम लिख के एक दूसरे के चैटिंग के थ्रू मतलब जो भी बात करनी हो वो करते हैं। तो इस तरह से हमारी डिस्कशन होती है कि अच्छा यहाँ पे ये मसला था, ये करना है, इस तरह से ये क्लियर करना। फिर साथ साथ मैं अपनी वीडियो एडिट करना शुरू करती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ। फिर टेक्निकल इशू कोई भी हो तो फिर व्यूअर्स थोड़ा सा लेट हो जाता है, अदरवाइज जल्दी वीडियो अपलोड हो जाती है। और मोस्टली आप कोशिश कर रही हूँ कि सुबह के वक्त ही वीडियो अपलोड की जाए, ज़्यादा नहीं मतलब लेट हो, लेकिन इंशाल्लाह व्यूअर्स अपना टाइम टेबल एक सेट करना है जो कि ऑलरेडी था, लेकिन कभी ख़राब हो जाता कभी ये। मैंने जो इस तरह से वीडियो एडिट कर रही होती है और मामा अपनी वीडियो में वॉइस ओवर कर रही होती हैं कुछ इस तरह से, और कोई तकरीबन ये टाइम होता है ऐसा कि मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करना। इसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो सारा कुछ, और इस टाइम लिविंग रूम में सब बैठे होते हैं और मामा पापा के साथ डिस्कशन करना, बात करना और कुछ नया प्लान वगैरह सोचना, ये सारा कुछ व्यूअर्स चलता है। तो ऑलमोस्ट इन दिनों में यही हो रहा है, तो इस वजह से। इसके बाद व्यूअर्स मैं बाल बांध के फ्रेश होती हूँ, फ्रेश होने के बाद मतलब वज़ू वगैरह करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, और मैं मोस्टली जो जोहर की नमाज़ मतलब रेस्ट में ही गुजर जाती है, और फिर असर के वक्त शुरू होती हूँ, और असर और मगरिब और साथ जोहर की भी मस्त पढ़ती हूँ। फिर नहीं मतलब गैप की हो जाता, क्योंकि मुश्किल हो जाता है बार बार मतलब इस तरह से, लेकिन फिर मैं असर के साथ ही जोहर पढ़ लेती हूँ व्यूअर्स, और इस तरह से ये रखती हूँ कुशन, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है तो फिर इस तरह से मुझे इजीली हो जाता है। और पापा का जूता पहना हुआ मैंने देखे इजी होने के लिए। उसके बाद भी आज मैं अपना जो मैंने सूरत पढ़नी हो, कुरान पाक पढ़ना हो तो वो पढ़ती हूँ, वो कंप्लीट करती हूँ, ये मस्ट मैं मतलब कोशिश करती हूँ। जिस दिन मेरा स्किप हुआ हो ना उस दिन फिर मैं 2 दिन जो स्किप किया होता है वो भी पढ़ती हूँ, साथ कोशिश करती हूँ कि जो मैंने छोड़ा है वो भी कंप्लीट करूँ। इंशाल्लाह कुरान पाक कंप्लीट करूँगी, आप भी दुआ कीजिएगा ताकि कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद व्यूअर्स कुछ मतलब क्रेविंग होने लग पड़ती है, भूख लगने लग पड़ती है कोई, अब जूस वगैरह और ठंडी चीज़ें तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, तो कुछ इस तरह से फिर फ्रूट खा लेती हूँ। और साथ इसके देखें व्यूअर्स मैंने लिया है यहाँ पे एप्पल, यहाँ ले लेती हूँ आड़ू, और पापा कुछ भी ले आते हैं मतलब फ्रूट वगैरह मस्त आया होता है, तो उसके मुताबिक कभी ग्रेप्स आ जाते हैं, लेकिन ग्रेप्स अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर लेती हूँ एप्पल या फिर पीच। तो इसके साथ देखें यहाँ पर मैंने लिए हैं एप्पल और साथ मैंने लिए हैं बादाम व्यूअर्स, जो कि पानी में भिगोए हुए थे, उनके मतलब छिलके उतार के कुछ इस तरह से। ये दोनों बहुत अच्छी न्यूट्रिशन है व्यूअर्स, बहुत ज़रूरी हैं, तो अच्छे हैं। मैंगो भी ले सकते हैं लेकिन मुझे मैंगो पसंद नहीं है,
और इसके साथ ही व्यूअर्स, आज मैं कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि मामा गई हुई हैं चीज़ें लेने के लिए, सौदा वगैरह लेने के लिए, तो मैंने शुरू कर दिया। देखते हैं जब वो आती है तो वो आती है मेरे साथ हेल्प करना शुरू कर देंगी, वरना वो इस टाइम किचन में लगी होती है और मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही होती हूँ कुछ इस तरह से। और सपना ने भी साथ लगी हुई है, मैं भी लगी हुई, तो अभी उसके लिए हम साइड पर किया। मामा आ गए, मामा कहती ये क्या, ये क्या कर रही हो, तो फिर उन्होंने अपनी वो क्लियर की है, तो साथ वो भी अपनी थोड़ी वीडियो मतलब ऐड कर रही हैं। लेकिन अभी कह रही हैं कि अच्छा, मैंने कहा ऑलमोस्ट कम कंप्लीट हो गया, अब आप इससे करें पानी पिए, रेस्ट करें और जो चीज़ें आई हैं उनको संभाल दें। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम आलू और करेले बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टमाटर और प्याज और ये सारा कुछ डाल के बहुत ज़्यादा मज़े का बनने वाला है। और पापा ने बोला कि जो कि करेलों के जो छिलके हैं मतलब वो ऐड नहीं करने, कुछ इस तरह से बोला था। तो कुछ चीज़ें हैं व्यूअर्स जो कि बाल्टी वगैरह में हर चीज़ में कवर कर ली हैं, और जमाने अपनी फेवरेट चीज़ें लाई हैं। पापा कुछ इस तरह से रेस्ट कर रहे हैं और साथ सपना मतलब चेक कर रही है कि लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें आ गई हैं कुछ इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट है। तो मामा वाकई में आज गई हुई थी, वरना इस टाइम मैं और मामा किचन में होते हैं और बाकी दूसरे काम कम्प्लीट कर रहे होते हैं। इस टाइम हम कुछ मतलब नहीं लगे होते, हर कोई अपने अपने मतलब इस तरह से काम कम्प्लीट कर रहा होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो गया और मुझे भी बोला जा रहा है कि चलो जी अब ऐसा करते हैं कि डिनर की तैयारी वगैरह हो गई है तो टेबल सेट करते हैं और साथ डिनर करते हैं। तो पापा सारा कुछ साइड रख दिया था, सारा बर्तन लगा देती है और साथ पापा मतलब खा रहे हैं, और मतलब हम सब बस हमें बुला रहे हैं कि मैं अभी शुरू कर चुका हूँ और आप लोग अभी तक नहीं आए। तो यहाँ पर बस हम बोल रहे हैं कि जी आने लगे हैं, जी आने लगे हैं, कुछ इस तरह से रूटीन होती है मोस्टली। फिर मुझे डिनर के बाद फिर मैं इस तरह से वॉक करती हूँ, और ये मुझे अभी पता नहीं है कि मेरी वीडियो बन रही है, और जब मुझे पता चलता है फिर मैंने आपको हाई करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कर लेती हूँ व्यूअर्स, वहाँ पे बाहर जाना और रोड पे जाना और बाइक वगैरह के इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर आता है, तो मैं फिर अंदर ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा एरिया वहाँ पे जाके कर लेती हूँ। ये हॉल है तो अच्छी मतलब वॉक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ भी सोच लेते हैं अच्छा आप क्या करना है, साथ कोई चीज़ें वगैरह हों तो डिनर के बाद की वो क्लियर कर लेते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी फाइनली फिर कुछ इस तरह से हम आ जाते हैं अपने रूम में, लिविंग रूम में, जहाँ पे हमेशा मतलब हमारा ये जो मज़े की जगह है यहाँ पे हम डिस्कशन वगैरह करते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। और मैं तो मोस्टली रेस्ट ही करती हूँ, मतलब ज़रूरी है। और व्यूअर्स स्वेलिंग सुबह देखी थी आपने और अभी फेस पर देखें बहुत कम हो गई है, ऐसे ही होता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर पंखों भी हो जाती है, मतलब कुछ इस तरह से तबीयत होती है, लेकिन ठीक हो जाती है। फिर मैं कुछ प्लान कर लेती हूँ, वरना मोबाइल फ़ोन पे नोट कर लेती हूँ या फिर यहाँ पे लिखती हूँ, लिख के मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आपने कुछ नोट डाउन किया हुआ है उसके मुताबिक आप चलें तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा काम सिलसिला रहता है। तो यहाँ पे मैं एक जो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में लिख रही हूँ, डिस्कशन वगैरह कर रही हूँ और साथ सोच रही हूँ। तो ये करने के बाद व्यूअर्स थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, इवन कि आप कुछ लगाने को दिल नहीं करता, मतलब आप स्किन केयर उस तरह से नहीं करने को दिल करता, आप दिल करता बस ठीक है रेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसकी जगह यहाँ पे बैठ जाओ, इस तरह से होता है ज़्यादा ज़रूरी। मतलब इस तरह से मामा को भी दिखाया, मामा मोबाइल फ़ोन पे लगी हुई है, तो आजकल मोबाइल फ़ोन मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उसने टाइम जगह और मतलब इस तरह से बिज़ी कर दिया बंदों को। लेकिन कुछ होता है कि फिर हमने जब डिस्कशन करनी हो फिर सबके सारे मोबाइल यहाँ पर साइड पे पड़े होते हैं और फिर हम बात पे फोकस कर रहे होते हैं, अच्छा क्या बात हो रही है, क्या करनी है, किस तरह से मतलब इस तरह होता है। तो अभी देखें जी मैंने मॉइस्चराइज तो किया लेकिन हाथों के साथ फेस को भी कर रही हूँ, मेरे काम देखें ज़रा व्यूअर्स। खैर कोई नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, वरना स्किन केयर मुझसे नहीं होती, जब करनी हुई तो फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी फिर वक्त तो बहुत, ये जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, इसको अच्छे से गुजारना है और मतलब दुआ करें व्यूअर्स बहुत अच्छा टाइम गुजरे इंशाल्लाह। फिर मोबाइल फ़ोन पे कुछ चेकिंग वगैरह कर लेती हूँ, कोई पोस्ट अपलोड करनी हो तो वो कर लेती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया हो sanasana.u पे तो जाकर फॉलो कर लें व्यूअर्स। इसके बाद बैठते हैं और फिर ऐसा काम आ जाता है कि जो कि जिस पर काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, और फिर वो ये है कि पापा इस तरह से मंगवा लेते हैं यहाँ पे लिविंग रूम में ही और बेड पे ही दूध गर्म करवाते हैं और साथ कुछ इस तरह से सारा कुछ आ जाता है और बड़े ध्यान से केयरफुली मतलब यहाँ पे सारा काम करते हैं। दो कप में डालना होता है मामा के लिए भी, मेरे लिए भी, और दूसरा भी मतलब इस तरह से एडजस्ट करना होता है करते हैं। और मेरा अभी फिल वक्त मैं अपने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं तो चीनी डाल रही हूँ जस्ट, और मैंने कहा मैं तो इस तरह से
मीठा दूध पीऊंगी, लेकिन लेकिन नहीं, पापा ने कहा है यहाँ पे डालना है देसी घी। मैंने कहा ठीक है मैं आप में डाल देती हूँ, अपने में रहने देती हूँ, क्योंकि मैंने तो नहीं, ये देसी घी दूध में मिक्स करवा के मुझे ज़रूर पिलाते हैं, कभी कभी स्किप कर देती हूँ, कभी कभी कहती हूँ अच्छा मैं बाइट जा रही हूँ, बाइट जा कर रख देती हूँ, फिर बाद में डांट पड़ती है, इस तरह से होता है। और कभी कभी साथ ही पापा कहते हैं यहाँ पर बैठ के पीना, फिर वॉक करने के लिए जाना, फिर बाइट जाना, ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पापा आपके शामिल कर दिया, आप इसे मिक्स करें पिए, क्योंकि आप भी तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रह के आए हैं, आपने दूध वगैरह मतलब इस तरह से जो हेल्दी चीज़ें वो नहीं खाई। कहते मेरा कोई नहीं है, तुम करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पी मामा के भी डालती हूँ। इस तरह से होता है, हम एक दूसरे के अंदर डाल रहे होते हैं इस तरह से, मतलब वियर्स देसी घी, मतलब बस मीठा हो, दूध हो तो वो पिया जा सकता है, कुछ इस तरह से नहीं पिया जा सकता, मुश्किल हो जाती है। धन वियर्स मामा कुछ इस तरह से मिक्स करती हैं और क्या फिर पता ही नहीं चलता कि अच्छा इसमें घी है इसमें नहीं है, तो कहते हैं चलो आप पियो, फिर मैं पीती हूँ। फाइनली कि पापा बोल रहे होते हैं इतने प्यार से, उन्होंने सारा कुछ मैनेज किया होता है, तो कोशिश करती हूँ देखिए मेरे एक्सप्रेशन नोट करें वियर्स। फिर मामा कहते हैं चलो आप भी पिए, फिर पापा मामा को पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं, इस तरह से फिर सब मिल के पी लेते हैं, तो मेरे एक्सप्रेशन नोट करें वियर्स। तो फाइनली वियर्स इसके बाद मैं अपने बालों को एक दफ़ा खोल के अच्छे से बंद कर लेती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, पूरी तरह टाइट नहीं करती, और मोबाइल फ़ोन को एक दफ़ा लास्ट पकड़ के फिर मेरा दिक्कत रहा था बस अब लेट जाऊँ, तो फिर मैं लेट जाती हूँ। लेटने का तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपने अभी तक मेरी मॉर्निंग रूटीन नहीं देखी तो वो पहले देख लें, फिर ये देखिएगा वियर्स, तो दोनों रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अल्लाह हाफिज़।